हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपर लिम की, आर्टेरियल सप्लाई एंड वेनस टेनिस की। लेकिन उससे पहले हम करेंगे अनबॉक्सिंग यहाँ पे प्रेपलेटर के नोट्स की। ये नोट्स मेरे पास लगभग 2 हफ्ते पहले आ गए थे, बट आई वाज नॉट इन द कॉलेज, सो मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने खोले नहीं है, मैं पहले खोल चुका हूँ और पढ़ भी चुका हूँ इनमें से, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना इनकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई जाए। तो अनबॉक्सिंग करेंगे अभी प्रेपलेटर के नोट्स की, तो स्टार्ट करते हैं। अपने आप ही खुल गया। तो यहाँ पे सबसे पहले एक पेज आया था जिसके ऊपर थोड़ा वही डिलीवरी वगैरह का चालान वगैरह है। उसके बाद मेरे पास सबसे पहले है यहाँ पे फार्माकोलॉजी के नए नोट्स, जिसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट पेपर लगा हुआ है जिससे ये प्रोटेक्टेड हैं। तो ये हो गया फार्मा। देन वी हैव एनाटॉमी वॉल्यूम 1 एंड एनाटॉमी वॉल्यूम 2। ये दो हैं एनाटॉमी की वॉल्यूम्स। देखो कितनी पतले पतले नोट्स हैं, बिल्कुल ही मेरे को सबसे अच्छी चीज़ यही लगी इन नोट्स की। देन वी हैव फिजियोलॉजी, देन बायोकेमिस्ट्री, देन वी हैव पैथोलॉजी एंड पीएसएम, पीएसएम मींस कम्युनिटी मेडिसिन। देन वी हैव ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी पार्ट 1 सब्जेक्ट्स। देन वी वांट टू एफएमटी बाय डॉक्टर जे मंगेत्रन, बहुत अच्छे सर है। देन वी हैव गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, कितनी पतली सी बुक है यार। गायनी एंड ऑब्स मेरे को इतना अजीब सा सब्जेक्ट लगता है, लेकिन ये बुक बहुत पतली है, मज़ा आएगा पढ़ने में। देन वी हैव रेडियोलॉजी एंड ऑर्थोपेडिक्स, देन वी हैव पीडियाट्रिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी। अरे यार कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं। मेडिसिन वॉल्यूम 2, मेडिसिन वॉल्यूम 1, दो वॉल्यूम्स हैं मेडिसिन की, ये भी काफ़ी पतले पतले। देन वी हैव सर्जरी वॉल्यूम 2 एंड सर्जरी वॉल्यूम 1, टू वॉल्यूम्स ऑफ सर्जरी ऑल्सो। एंड वी हैव एनेस्थीसिया, वी हैव साइकेट्री, दीज आर द माइनर सब्जेक्ट्स ऑफ फाइनल ईयर। एंड देन वी हैव डर्मेटोलॉजी एंड फाइनली वी हैव एमरजेंसी मेडिसिन, जो एक अलग से इन्होंने बना के दे रखा है। तो ये हैं मेरे प्रेपरेटर के सारे सब्जेक्ट के नोट्स। तो अब अनबॉक्सिंग में तो देखो मैं इतना ही बताऊंगा कि बहुत अच्छे मेरे को लगे, क्योंकि पतली पतली बुक्स थी। अब मैंने जो है नोट्स के अंदर से पढ़ा, मेरे को कुछ फीचर्स जो इनके बहुत अच्छे लगे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में क्यों ना इन्हीं नोट्स आपको पढ़ाया जाए, जिससे आपको भी थोड़ा बहुत रिव्यू मिल जाएगा प्रेपरेटर के नोट्स कैसे है। सो अब हम पढ़ते हैं आर्टेरियल सप्लाई एंड वेनस ड्रेनेज ऑफ अपर लिम। पूरे अपर लिम का सिर्फ 4 पेज के अंदर पूरा खत्म है, मैं आपको अभी यही पढ़ाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ जो हम पढ़ेंगे अभी आगे आने वाले टाइम में। एक है हाउ टू रिमेंबर बुक्स, जिसमें आपको छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे या निमोनिक्स मिलेंगे, जिससे आपको टॉपिक को याद करने में थोड़ा ईजी होगा। नेक्स्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, जो नीट पीजी या INICET में जो क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चंस यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स के अंदर दे रखे हैं। जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन पहले आया हुआ है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बॉक्स में मिलेगा, जिससे आपको एक क्लिनिकल जो है आपका कोरिलेशन बना पाओगे कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जाम में आते हैं। उसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का बॉक्स देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एग्जाम के टाइम में मान लो नीट पीजी से कुछ टाइम पहले आपको रिवीजन करने हैं, तो आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाले बॉक्स, अगर इस चैप्टर में मान लो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का बॉक्स पढ़ लिया, तो मतलब आपका पूरा चैप्टर बेसिकली हो जाएगा इजीली। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में जो है जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको दे रखे होंगे। उसके अलावा आपको बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे डायग्राम देखो, एक टॉपिक के अंदर एक फोटो, दो फोटो, तीन फोटो, 4, 5, 6, तो 2 पेज के अंदर आपको 6 डायग्राम यहाँ पे दिए गए हैं। तो मेरे को ये फीचर्स बहुत अच्छे लगे। अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो गाइज ये है मेरे पास प्रेपलेटर की एनाटॉमी वॉल्यूम 2। इसमें से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आर्टेरियल सप्लाई एंड वेनस ड्रेनेज ऑफ अपर लिप। तो आर्टेरियल सप्लाई एंड वेनस ड्रेनेज सिर्फ इन पेजेस में ख़त्म है। अभी मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ जल्दी से। आर्टेरियल सप्लाई की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे हमें पता है कि आर्च ऑफ एओर्टा जो है वो 3 ब्रांचेस देती है, एक ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक, एक लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड एक लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये 3 ब्रांचेस देती है आर्च ऑफ एओर्टा। उसके बाद जो हमारी ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक था उससे बनता है राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो जो सबक्लेवियन आर्टरी है वो सप्लाई करती है हमारे अपर लिम को, एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करती है हेड एंड नेक को। ये बातें हमें पता है। अब मेन मोटिव मेरा ये था कि सबक्लेवियन आर्टरी तक लेके आना था मेरे को आपको। अब सबक्लेवियन आर्टरी की बात करें, सबक्लेवियन आर्टरी कम्स फ्रॉम द नेक रीजन अंडर द क्लेविकल एंड क्रॉसेस आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब टू एंटर द एक्सिला एंड बिकम द एक्सिलरी आर्टरी। तो मतलब फर्स्ट रिब का जो आउटर बॉर्डर है उसको क्रॉस करते ही सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो एक्सिला में घुस जाती है और बन जाती है एक्सिलरी आर्टरी, और एक्सिलरी आर्टरी आगे जाके टेरिस मेजर को जैसे ही क्रॉस करती है लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर को, वो बन जाती है ब्रेकियल आर्टरी। तो यहाँ पे बात करें सबक्लेवियन आर्टरी की, सबक्लेवियन आर्टरी फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर को क्रॉस करने से पहले 3 ब्रांच देती है यहाँ पे, जिसको हम याद कर सकते हैं VIT।
तो ये एक इम्पोर्टेंट जो फीचर मेरे को लगा इनके नोट्स के अंदर वो है हाउ टू रिमेम्बर वाला बॉक्स। तो इस बॉक्स में इन्होंने न्यूमोनिक्स दे रखे हैं या फिर जी जो भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं याद करने की वो चीज़ दे रखी है। तो जैसे सप्लीमेंट आर्टरी की जो ट्रिक बन गई वो VIT बन गई, VIT से हम याद कर सकते हैं कि फर्स्ट ट्रिप को क्रॉस करने से पहले सप्लीमेंट आर्टरी कौन कौन सी ब्रांचेस देती है। तो कौन कौन सी देती है, वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड थायरो सर्वाइकल ट्रंक। इसी तरह बात करें थायरो सर्वाइकल ट्रंक की, फर्दर बात करें तो थायरो सर्वाइकल ट्रंक 3 ब्रांचेस देता है जिसको हम याद कर सकते हैं SIT से। तो SIT से क्या बन गया, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी एंड ट्रांसवर सर्वाइकल आर्टरी। अब सबक्लेवियन आर्टरी जैसे आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट ट्रिप को क्रॉस करती है वो बन जाती है एक्सिलरी आर्टरी। अब एक्सिलरी आर्टरी की बात करें तो एक्सिलरी आर्टरी जो है आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट ट्रिप से लेकर के लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर तक हम उसको एक्सिलरी आर्टरी बोलेंगे। जैसे ही लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर को वो क्रॉस करती है उसको हम बोल देते हैं यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी। तो ये हमारे पास आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट ट्रिप है, ये आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट ट्रिप है। तो उससे पहले सबक्लेवियन आर्टरी है, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट ट्रिप को क्रॉस करते ही बन गई एक्सिलरी आर्टरी। और ये जो मसल है ये है हमारे पास टेरिस मेजर मसल, इसकी जो लोअर बॉर्डर है इसको क्रॉस करते ही जो है एक्सिलरी आर्टरी बन जाती है ब्रेकियल आर्टरी। तो इस वाले डायग्राम में बाकी ब्रांचेस भी आपको दिखा रखी है, वो बाद में बात करेंगे। अब वापस चलते हैं हमारे एक्सिलरी आर्टरी की तरफ। तो एक्सिलरी आर्टरी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है बाय पेक्टोरलिस माइनर मसल। तो यहाँ पे बीच में एक मसल है पेक्टोरलिस माइनर, इसकी वजह से जो हमारी एक्सिलरी आर्टरी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से एक ब्रांच निकलेगी, सेकंड पार्ट से 2, थर्ड पार्ट से 3 ब्रांचेस, ऐसे याद रखना है। फर्स्ट पार्ट से निकलती है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, सेकंड पार्ट से निकलती है थोरेसिक एक्रोमियल एंड द लेटरल थोरेसिक आर्टरी, थर्ड पार्ट से कौन सी निकलती है, थर्ड से निकलती है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल एंड सबस्कैपुलर आर्टरी। उसके अलावा यहाँ पे जो सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी है वो स्कैपुलर एनास्टोमोसिस में टेक पार्ट नहीं करती, ये बात याद रखना है। अब हम चलते हैं यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, उससे पहले हम स्कैपुलर एनास्टोमोसिस की बात करते हैं। स्कैपुलर एनास्टोमोसिस क्या होता है, स्कैपुला के अराउंड कुछ आर्टरीज आपस में एनास्टोमोस करती है। कौन कौन सी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेज एंड सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेज, ये दोनों आपस में एनास्टोमोस कर जाती हैं और ब्लड फ्लो जो है अपर लिम को वो ईजी रहता है। बताऊंगा कि क्यों बनती है एनास्टोमोसिस, क्या काम आएगी। एक्सिलरी आर्टरी की कौन कौन सी ब्रांचेज टेक पार्ट लेती हैं, एक सबस्कैपुलर आर्टरी, एक थोरैकोडोर्सल आर्टरी, ठीक है। थोरैकोडोर्सल इज द कंटिन्यूएशन ऑफ सबस्कैपुलर आर्टरी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा सबक्लेवियन आर्टरी की कौन कौन सी ब्रांचेस इसमें हिस्सा लेती है, एक थायरो सर्वाइकल ट्रंक जो हमने पढ़ा था और एक डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी, थायरो सर्वाइकल ट्रंक पढ़ा था और एक डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी, दो हिस्सा लेती है हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस सबस्कैपुलर एनास्टोमोसिस के अंदर। अब एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस से जाके ऐसे जुड़ जाती है और एनास्टोमोस कर जाती है। एनास्टोमोसिस कैसे होता है, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी जो थी वो आगे जाके मिलती है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी से। अब सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर तुम बोलोगे कहाँ से आ गई, तो जो सबस्कैपुलर आर्टरी थी ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी उसकी एक ब्रांच होती है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ये सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी ये जाके जुड़ती है सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी से, तो सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर सुप्रा स्कैपुलर से जाके जुड़ जाती है। इसी तरह डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी ये वाली जो थी सबक्लेवियन की ब्रांच, ये जाके जुड़ जाती है थोरैकोडोर्सल आर्टरी से, इससे जुड़ जाएगी ये, तो ठीक है। तो इस तरह से एनास्टोमोसिस यहाँ पे खत्म होता है हमारा, स्कैपुलर एनास्टोमोसिस जिसको हमने बोला है। अब हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये देखो एक और इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे नोट्स का जो मेरे को लगा कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या है, इन अ सबक्लेवियन आर्टरी ब्लॉक एट द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट ट्रिप ऑल द फॉलोइंग आर्टरीज हेल्प इन मेंटेनिंग द सर्कुलेशन टू अपर लिम एक्सेप्ट। इसका मतलब है कि अगर फर्स्ट रिब के लेवल पे अगर सबक्लेवियन आर्टरी में ब्लॉक हो जाता है तो कौन कौन सी आर्टरीज है जो हैं वो अपर लिम की ब्लड सप्लाई को मेंटेन रखेंगी, मतलब यहाँ पे अगर ब्लॉक हो गया तो भी अपर लिम की जो ब्लड सप्लाई है वो चलती रहेगी। तो कौन कौन सी आर्टरी हैं जो इन दोनों को जोड़ के रखती है, सबक्लेवियन को एक्सिलरी आर्टरी से जो जोड़ रही थी, मतलब जो एनास्टोमोसिस में टेक पार्ट कर रही थी वो आर्टरीज होंगी। अब कौन कौन सी टेक पार्ट कर रही थी, थायरो सर्वाइकल कर रही थी, सुप्रा स्कैपुलर जो है वो भी कर रही थी, सुप्रा स्कैपुलर थायरो सर्वाइकल की ही ब्रांच है, सबस्कैपुलर जो है वो भी कर रही थी एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, सुपीरियर थोरेसिक ये नहीं कर रही थी। यहाँ पे मैंने बताया भी था एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेज में कि सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी जो है डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द स्कैपुलर एनास्टोमोसिस। तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन जो है हमारा खत्म हो गया। तो क्या क्या फीचर्स थे मेरे को अच्छे लगे, एक हाउ टू रिमेंबर बॉक्स, दूसरा पिक्चर्स अच्छे अच्छे दे रखे हैं, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं, उसके अलावा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का बॉक्स है जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने में ईजी रहेगा नीट पीजी के लिए। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।